साल 2020 कई गमगीन खबरें दे चुका है। बॉलीवुड के सितारों से लेकर कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत ने सबको परेशान कर दिया है। शनिवार को एक और दुखद खबर सामने आई है। भजन गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया है। उन्होंने 35 साल की छोटी सी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी के मुताबिक आदित्य पौडवाल पिछले काफी समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे, जिनका इलाज काफी लंबे समय से अस्पताल में चल रहा था। किडनी फेल होने की वजह से आदित्य का शनिवार सुबह निधन हो गया। उनके जाने से पौडवाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदित्य पौडवाल के निधन की खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य अपनी माँ की ही तरह भजन और भक्ति के गीत गाते थे। इसके अलावा वह म्यूजिक भी कंपोज करते थे। इस साल की शुरुआत में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वह भक्ति संगीत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। उनका नाम भारत के सबसे कम उम्र के संगीत निर्देशक के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि अनुराधा पौडवाल की शादी अरुण पौडवाल से हुई थी, जो प्रसिद्ध संगीतकार SD बर्मन के सहायक थे। खुद अरुण भी एक संगीतकार थे। 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थी। उसी समय उनके पति अरुण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब उनका बेटा भी उनका साथ छोड़कर चला गया। अब परिवार में अनुराधा की केवल एक बेटी है, जिनका नाम कविता पौडवाल है। ऐसे ही लेटेस्ट बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।